अबोहर के रेलवे स्टेशन पर बंदरों के आतंक से यात्रियों में दहशत है। करीब एक दर्जन बंदरों का समूह रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाके में दिन भर उत्पात मचाता रहता है। यह बंदर कई बार यात्रियों का सामान उठा ले जाते हैं। कई यात्रियों को इन बंदरों द्वारा काटा भी जा चुका है। आइए बंदरों के आतंक के बारे में एक महिला दैनिक यात्री की बात सुनते हैं। जी, हमें बहुत परेशानी है इनसे, बंदरों से। कल भी एक लेडीज को खा गए थे, तो इनका कोई ना कोई इंतजाम करना चाहिए आपको। हाँ जी, 7-8 हैं। हाँ जी, वो लिफाफे से सामान वगैरह निकाल लेते हैं खाने पीने का। चलो वो खा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काटने का खाने का ही तो परेशानी काफ़ी है ना। कि यहाँ पे कितना वो है, गाड़ी में आते हैं जाते हैं लोग, परेशानी काफ़ी होती है। ठीक के रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा गांव में सामान वगैरह लेना होता है, शॉप का, मेरी शॉप है कॉस्मेटिक की, तो रोज़ ही रूटीन में रोज़ डेली देखते हैं। दरअसल बंदरों के इस समूह का मुखिया काफ़ी खतरनाक है। यात्रियों में यह बंदर लादेन के नाम से मशहूर है। ज्यादातर यात्री इसी का शिकार बनते हैं। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे विभाग ने वन विभाग से इन बंदरों को काबू करने की अपील की है। वन विभाग ने इन बंदरों को पकड़ने के लिए स्टेशन पर एक पिंजरा भी लगवाया है, लेकिन बंदरों ने अभी तक इस पिंजरे की तरफ मुंह भी नहीं किया है। आखिर रेलवे विभाग ने वन विभाग से बेहोशी के इंजेक्शन लगाने वाली गन का उपयोग करने की मांग की है। वन विभाग के बेहोशी का इंजेक्शन देकर बंदरों को पकड़ने वाले एक्सपर्ट जीरकपुर के छतबीर चिड़ियाघर से आते हैं। अब इन बंदरों से निजात पाने के लिए इन माहिरों के आने की इंतजार की जा रही है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।